वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टाने सर। टाने सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्थिंग। स्टूडेंट की अर्थिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, तो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ अर्थिंग देखेंगे। स्टूडेंट दोस्तों, अर्थिंग करना क्यों आवश्यक है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अर्थिंग सबसे पहले तो अर्थिंग का परिचय दें हम, तो अर्थिंग क्या होता है और अर्थिंग के बारे में हम क्या जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो अर्थिंग का यदि परिचय दें तो अर्थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक भवन में क्या होता है, वैद्युतिक वायरिंग की जाती है और वैद्युतिक वायरिंग के अंतर्गत अर्थ करना अनिवार्य होता है। मतलब प्रत्येक भवन में, कोई भी भवन हो, प्रत्येक भवन को अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट, क्योंकि बिना अर्थिंग के भवन में आप यूज तो करेंगे ठीक है इक्विपमेंट को, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएगी। तो अर्थिंग प्रत्येक भवन में करना अनिवार्य स्टूडेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी वैद्युत परिपथ के शॉर्ट सर्किट होने पर वोल्टेज की मात्रा अत्यधिक उच्च हो जाती है। तो अर्थिंग यदि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि वोल्टेज की जो मात्रा है, वी का मान अत्यधिक बढ़ जाएगा, आई का मान अत्यधिक बढ़ जाएगा स्टूडेंट। तो अत्यधिक जब शॉर्ट सर्किट होता है किसी भी सर्किट में, तो वोल्टेज का मान यहाँ पर बढ़ जाता है स्टूडेंट। और जब वोल्टेज का मान बढ़ जाता है तो जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, तो इससे आग लगने की संभावना क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बढ़ जाएगी, आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी स्टूडेंट, तो वो जो सर्किट है, सर्किट में टोटल जितने भी वायर हैं, सारे वायर शॉर्ट सर्किट के कारण जल जाएंगे। अब अर्थिंग क्या है, तो अर्थिंग एक ऐसी प्रक्रिया है स्टूडेंट, अर्थिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वैद्युत परिपथ के शॉर्ट होने पर, अर्थात कि कोई वैद्युत परिपथ है, ये कोई वैद्युत परिपथ है, और वैद्युत परिपथ के शॉर्ट होने पर, अर्थात कि शॉर्ट सर्किट होने पर, उसमें प्रवाहित होने वाली जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको इलेक्ट्रोड के द्वारा, इसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी, तो ये शॉर्ट सर्किट करंट को स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के द्वारा उसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो जब अर्थिंग का मेन पर्पस क्या है कि अर्थिंग ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें वैद्युतिक परिपथ में यदि शॉर्ट सर्किट होने पर, अर्थात लीकेज करंट फ्लो होने पर स्टूडेंट, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी, लीकेज करंट फ्लो होगी, तो उस करंट को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड के द्वारा अर्थ कर देंगे, अर्थात कि ग्राउंड कर देंगे स्टूडेंट। तो इसी को ही अर्थिंग प्रक्रिया कही गई। क्लियर है स्टूडेंट। अब अर्थिंग प्रक्रिया में हम जब देखेंगे तो अर्थिंग प्रक्रिया में स्टूडेंट यहां पर आपको एक चीज देखने मिलेगा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनको अर्थ करना बहुत जरूरी होता है। तो अर्थ करना क्यों जरूरी होता है स्टूडेंट, क्योंकि इनके बॉडी में करंट फ्लो होने लगती है। तो देखेंगे हम टाइप्स ऑफ अर्थिंग। क्लियर स्टूडेंट। तो मुख्यतः टाइप्स ऑफ अर्थिंग जो है वो चार प्रकार की अर्थिंग होती है। देयर आर मेनी फोर टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो इसमें चार टाइप्स की अर्थिंग की जाती है, चार प्रकार की अर्थिंग की जाती है स्टूडेंट। इसमें से फर्स्ट है प्लेट अर्थिंग, सेकेंड है पाइप अर्थिंग, और थर्ड स्टूडेंट वाटर टैप अर्थिंग। क्लियर स्टूडेंट, वाटर टैप अर्थिंग। एंड फोर्थ है रॉड अर्थिंग। तो ये चार प्रकार की अर्थिंग बेसिकली यूज की जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर ये दोनों अर्थिंग को ही यूज करते हैं, प्लेट अर्थिंग को और पाइप अर्थिंग को। इसी अर्थिंग को स्टूडेंट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे उपरोक्त विधियों का हम वर्णन जब करेंगे, तो फर्स्ट में देखेंगे प्लेट अर्थिंग, कि ये प्लेट अर्थिंग स्टूडेंट क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट, प्लेट अर्थिंग क्या होता है, चलिए प्लेट अर्थिंग के बारे में जानेंगे। तो प्लेट अर्थिंग में स्टूडेंट यहां पर प्लेट अर्थिंग में ये जो अर्थिंग होती है, इसके लिए जो आवश्यक मटेरियल है, ये आवश्यक मटेरियल कौन कौन से होंगे इसे हम जानेंगे। तो एसेंशियल मटेरियल, अर्थात कि प्लेट अर्थिंग करते समय कौन कौन से मुख्य मटेरियल का यूज करेंगे हम, कौन कौन से मटेरियल यहाँ पर काम आएंगे, इसके बारे में हम जानेंगे।
तो एसेंशियल मटेरियल अर्थात कि आवश्यक सामग्री के रूप में जिन सामग्रियों का यूज किया जाएगा उनमें से है प्लेट भूसंपर्क अर्थात कि प्लेट अर्थिंग। तो प्लेट को अर्थ करने के लिए हम यहाँ पर प्लेट भूसंपर्क का यूज करेंगे अर्थात कि प्लेट का यूज करेंगे और उसके साथ मुख्यतः निम्न प्रकार की सामग्री यूज की जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? इसमें से पहली है अर्थिंग प्लेट और ये जो अर्थिंग प्लेट होगी इस टाइप से होगी दोस्तों, ये अर्थिंग प्लेट होगी, इसे कहेंगे हम अर्थिंग प्लेट। अब ये जो अर्थिंग प्लेट है स्टूडेंट, इसका साइज होगा 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर अर्थात कि ये हो जाएगा यहां से यहां तक का 60 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना होगा। मोटाई हो जाएगी इसकी तांबे की प्लेट के लिए, क्योंकि यदि तांबे का प्लेट है, हम तांबे का ही जब प्लेट अर्थिंग करते हैं तो प्लेट अर्थिंग करते समय तांबे की ही प्लेट यूज की जाती है अर्थात कि कॉपर की प्लेट यूज की जाती है। तो यही कॉपर प्लेट यहां पर यूज करेंगे, तो इसमें 3.5 mm अर्थात कि 3.15 mm और जीआई जो उसका प्लेट होगा उसका 6.30 mm। तो तांबे की प्लेट और जीआई प्लेट, यदि आप जीआई प्लेट यूज करते हैं तो ये इसकी कास्ट जो होगी ये कम होगी स्टूडेंट, कास्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। और यदि तांबे की प्लेट यूज करते हैं कॉपर प्लेट तो ये इसकी कास्ट ज्यादा होगी, इसकी कास्ट स्टूडेंट ज्यादा होगी, क्योंकि तांबे का रेट ज्यादा है, महंगा है, और जीआई प्लेट का जो रेट है ये सस्ता है। तो इनके अलग अलग साइज आते हैं। यदि आप तांबे की प्लेट लेके आते हैं अर्थिंग प्लेट तो वो 3.15 mm की होगी और जीआई प्लेट यदि लेकर आते हैं तो 6.30 mm की होगी। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर यदि हम देखें तो किसी भी स्टूडेंट को यदि पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। चलिए यहां पर जो टिप्पणी लिखी हुई है इसमें क्या होता है, अधिक विद्युत धारा वाले परिपथों के लिए जहां पर हमें करंट अधिक प्राप्त होती है अर्थात कि जहां पर हायर करंट प्राप्त होती है अर्थात कि लीकेज जो करंट है, लीकेज करंट, ये लीकेज करंट जहां पर अधिक हो वहां पर प्लेट अर्थिंग की जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो अधिक विद्युत धारा वाले परिपथों के लिए भू संयोजन जब किया जाएगा तो 90 सेंटीमीटर आकार इंटू 90 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो जहां पर स्टूडेंट करंट का मान अधिक होगा वहां पर हम प्लेट अर्थिंग का यूज करेंगे, क्योंकि प्लेट अर्थिंग का साइज बड़ा होता है और यह वर्टिकल रखा जाता है, इसलिए हम प्लेट अर्थिंग का ही यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, इसका जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में हम देखेंगे। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब इस सर्किट डायग्राम में यदि हम देखें तो यहां पर प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, तो प्लेट अर्थिंग में स्टूडेंट यहां पर ये जो प्लेट दिख रहा है ये प्लेट, इसका साइज जो है ये है 90 x 90 का। क्लियर स्टूडेंट? 90 x 90 का इसका साइज है। यहां पर इसका जो साइज है ये साइज यहां से यहां तक का देखने मिलेगा, 90 x 30 90 x 90 का। अब यहां पर 60 और ये हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट, तो ये 90 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर होगा। इसमें से 60 सेंटीमीटर जो होगा ये प्लेट का अंदर वाला भाग होगा। अब जो 90 सेंटीमीटर है ये जो गड्ढा खोदा गया है इस गड्ढे का साइज है ये 90 सेंटीमीटर जो खोदा गया है गड्ढे का साइज। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहां पर ये जो प्लेट का साइज है, प्लेट का साइज है 60 × 60 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट? 30 सेंटीमीटर यहां पर जो रखेंगे ये 30 सेंटीमीटर ये कोयले और नमक का हो जाएगा अर्थात कि नमक प्लस कोयला की लेयर होगी इसमें। क्लियर है स्टूडेंट? नमक प्लस कोयला की लेयर होगी। अब यहां पर नमक प्लस कोयला की लेयर होगी तो इसका साइज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो नमक है और कोयला इसका कॉम्बिनेशन होगा, मिश्रण होगा, और ये 30 सेंटीमीटर इसकी लेयर होगी। तो इसकी लेयर 30 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि हम यहां पर प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं तो
प्लेट अर्थिंग को वर्टिकल रखेंगे, वर्टिकल रखा जाएगा प्लेट अर्थिंग को, तो वर्टिकल प्लेन में रखेंगे प्लेट अर्थिंग को स्टूडेंट। अब इस प्लेट अर्थिंग से ये 60 × 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm, ये इसकी मोटाई होगी, लंबाई और चौड़ाई 60 × 60 सेंटीमीटर होगी, अर्थात यदि mm में चेक करें तो 600 mm × 600 mm और 8.30 mm, ये जो प्लेट है ये कॉपर की प्लेट बनी होगी और ये कॉपर की प्लेट हम यूज करेंगे, जो मैक्सिमम जो इसके डेप्थ होगी 1.5 मीटर से 3 मीटर तक होगी, अर्थात कि जो गड्ढे की गहराई है इसमें, गड्ढे की गहराई 1.5 मीटर या 1.5 मीटर से 3 मीटर तक होगी। क्लियर स्टूडेंट, 1.5 मीटर से 3 मीटर तक होगी। तो यहां पर ये जो है जीआई तार, जीआई तार यूज करेंगे स्टूडेंट, ये जो जीआई तार है, ये जीआई तार सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है जीआई तार मेन स्विच से कनेक्ट होगा, तो मेन स्विच में जहां पर अर्थ वायर आकर कनेक्ट हुआ होगा वहां पर हम इस जीआई तार को यूज करते हैं। यदि ये कोई आईसीडीपी आपने यूज किया है तो आईसीडीपी के इसकी बॉडी को आप क्या कर देंगे स्टूडेंट, अर्थ कर देंगे, तो आईसीडीपी की बॉडी का कनेक्शन इसी अर्थ तार से होगा और यह सीधे ग्राउंड हो जाएगा। इसके बाद इसका जो साइज है, इस साइड दिख रहा है जीआई पाइप, तो इसमें क्या क्या कनेक्ट होगा, बोल्ट नट चेक नट कॉपर फॉर कॉपर प्लेट होगी स्टूडेंट। तो ये जो है जीआई पाइप होगा और जीआई पाइप को हम नट और बोल्ट के सहायता से, नट एवं बोल्ट के सहायता से कस देंगे, तो की सहायता से इसे कस दिया जाएगा स्टूडेंट, कस देंगे। तो जीआई प्लेट को इस अर्थ वायर के साथ नट और बोल्ट से कस देंगे। अब ये जो जीआई पाइप है स्टूडेंट, जीआई पाइप का यहां पर यूज किया गया है, ये है फनल। फनल का काम होता है कि छना हुआ पानी यहां पर अंदर एंट्री होना चाहिए, तो जब भी फनल के द्वारा, फनल कवर्ड विथ वायर मेश, यहां पर जब भी जीआई पाइप में इसके फनल से जब आप पानी डालेंगे तो यहाँ एक छन्नी लगी होगी और इस छन्नी के द्वारा यहाँ पर पानी इस अर्थिंग प्लेट के अंदर जाएगी स्टूडेंट। तो अक्सर देखा होगा आपने, क्योंकि गर्मी के समय में नमी, गर्मी के समय में नमी नहीं होती प्लेट में, और गर्मी के समय में ही हम कूलर चलाते हैं स्टूडेंट, और कूलर की बॉडी में करंट आता है, तो इस बॉडी करंट को हमें एलिमिनेट करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए, अर्थ करने के लिए हमें अर्थ तार का यूज किया जाता है। अर्थात जिस प्लग से, जिस सॉकेट में प्लग को लगाया जा रहा है वहां पर ये जो अर्थ तार है ये प्रॉपर काम करना चाहिए, तो ये अर्थ तार प्रॉपर काम नहीं कर पाता, इसकी वजह से कूलर हमें शॉक देते हैं और इससे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें इसका जो वाटर लेवल है, अर्थात कि जो प्लेट अर्थिंग है, इस प्लेट अर्थिंग के अंदर हमें इस फनल के द्वारा वाटर डालना पड़ेगा। हम फनल के द्वारा पानी डालेंगे इस फनल में, तो ये सीधे कहां पर जाएगा, नमक और कोयला को नमी बनाए रखेगा और यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम यहाँ पर गर्मी के लिए इसमें, इस फनल के द्वारा, इस जीआई पाइप से पानी यहां तक पहुंचाते हैं और नमी वाले स्थान पर हम प्लेट अर्थिंग को करते हैं, ताकि नमी हमेशा बना रहे और अर्थिंग प्रॉपर रूप से, सुचारू रूप से काम कर सके। अब यहां पर इसके चारों ओर हम देखेंगे स्टूडेंट, तो चारों ओर यहां पर आरसीसी अर्थात सीमेंट कॉन्क्रीट, आरसीसी, तो सीमेंट कॉन्क्रीट यहाँ पर आसपास इसके सीमेंट कॉन्क्रीट कर दिया गया है, ताकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाए और ये टूटे ना, और यहाँ से वाटर सीधे फनल के द्वारा सीधे ग्राउंड हो जाए। तो ये जो साइड वाला जो पोर्शन बना हुआ है सीमेंट कॉन्क्रीट का स्टूडेंट, क्लियर है, इसका साइज हो जाएगा 30 × 30 हो जाएगा, 30 × 30 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट, और यहां से इतना भाग इसका ये कास्ट आयरन से ढका हुआ होगा और कास्ट आयरन का फ्रेम होगा, इसको इससे ढक देंगे। इसमें जो कंस्ट्रक्शन इसका होगा, तो 1.5 मीटर से 3 मीटर तक की गहराई का गड्ढा खोदेंगे स्टूडेंट, और 1.5 से 3 मीटर तक की गहराई का गड्ढा खोदकर यहां पर हम इसको, हम प्लेट अर्थिंग करेंगे।
तो प्लेट अर्थिंग क्यों किया जाता है स्टूडेंट? जहां पर करंट अधिक होती है, अर्थात कि फॉल्ट करंट जहां पर अधिक फ्लो हो वहां पर प्लेट अर्थिंग की जाती है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम अब देखेंगे इसके बाद ये जो प्लेट अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग इसमें किस टाइप से अर्थिंग वायर यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो अर्थ वायर कैसा यूज करेंगे हम इस तरीके के, इसको जानेंगे स्टूडेंट। ये है भू संयोजन तार, अर्थात कि अर्थ वायर। तो इस तार के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे और ये अर्थिंग वायर है, ये हो जाएगा अर्थिंग वायर, और इस अर्थिंग वायर के द्वारा हम इसको अर्थ ग्राउंड कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अर्थिंग का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से सिंबल होता है, तो इस टाइप से सिंबल को हम क्या करते हैं, अर्थ अर्थ कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो अर्थ तार है, ये अर्थ तार एक बोल्ट, नट और बोल्ट के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम जीआई तार भी यूज करते हैं, तो जीआई तार किस तरीके से यूज करेंगे स्टूडेंट, चलिए ये भी देखेंगे कि जीआई तार को कैसा यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो अर्थिंग तार में जीआई तार यूज किया जाता है वो 8SWG का यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर हम सब स्टेशन में 14SWG का भी तार यूज करते हैं, ठीक है? तो 8SWG का जीआई तार यूज करेंगे स्टूडेंट। तो 8 जितनी बड़ी संख्या होगी उतना तार पतला होगा, और जितनी छोटी संख्या उतना तार मोटा हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये 8SWG का जो तार है ये मोटा तार होगा, 8SWG का तार, इसका जो वायर है ये मोटा होगा। क्लियर स्टूडेंट? और 14SWG का जो तार है ये तार पतला होगा। क्लियर स्टूडेंट? ये तार पतला होगा। तो मोटा कौन सा हो जाएगा, जिसकी संख्या आधी, जिसकी संख्या छोटी होगी वो मोटा तार होगा, और जिसकी संख्या अधिक होगी वो पतला तार होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से जीआई तार, ये जीआई तार है स्टूडेंट, गैल्वेनाइज्ड आयरन वाला तार, जीआई तार या जीआई वायर, इसको यूज करते हैं हम अर्थिंग करने के लिए, कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर का भी यूज किया जाता है कहीं कहीं पर। और ये इसकी मोटाई मानकर चलिए 8SWG का तार है ये। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि इसकी मोटाई क्या मिलेगी आपको, मोटाई ज्यादा मिलेगी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे हम कि अर्थिंग में जो जीआई पाइप यूज करते हैं वो जीआई पाइप किस टाइप का होता है। तो अर्थिंग में जो जीआई पाइप यूज किया जाता है स्टूडेंट, उसकी मोटाई जो है जीआई पाइप की वो किस टाइप से होती है। तो 12.7 mm व्यास का होता है ये, और भू संयोजन तार से इसी पाइप को स्थापित किया जाता है। तो जब पाइप अर्थिंग करेंगे तो पाइप अर्थिंग में जीआई पाइप का यूज करते हैं, और ये जो जीआई पाइप है यह स्टूडेंट 12.7 mm व्यास का होता है। इसमें 19.5 mm व्यास का 1.2 मीटर लंबा इसका प्रयोग अर्थ वायर, अर्थ में नमी बनाए रखने के लिए, एक जल डालने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो जीआई पाइप का भी यूज करते हैं प्लेट अर्थिंग में, और ये जीआई पाइप का मेन काम यह है कि थनल से जो वाटर डाला जाएगा यह सीधे जीआई पाइप तक, जीआई पाइप से पहुंचेगा, और जीआई पाइप से सीधे कहां पर पहुंचेगा, नमक प्लस कोयला के पास, जो इसकी जो लेयर है नमक और कोयले की, वहां तक वाटर पहुंचेगा और इसमें नमी बनाए रखेगा, नमी बनाए रखेगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो इसी का बेसिकली यहीं पर यूज करते हैं हम। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें एक जाली लगी होती है फनल में, जब हम फनल का यूज करते हैं तो फनल में एक जाली लगी होती है, और यही जाली यहाँ पर फनल में जो यूज किया जाता है, यही जाली के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों फनल क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम अंदर तक नमी पहुंचाया जा सके, या नमी वाले स्थान पर जब हम प्लेट अर्थिंग करते हैं और वहां पर गर्मी के समय में इस प्लेट में नमी नहीं होती, तब की सिचुएशन में हम क्या करें कि फनल के द्वारा इसमें एक जाली लगी होती है,
और फिल्टर सहित होती है ये फनल में जाली। फनल का जो ऊपरी सिरा होता है भूतल से 1 से 10 सेंटीमीटर उभरा हुआ रखना चाहिए और रखा भी जाता है। और इसमें जो ढक्कन ढका होगा वो कास्ट आयरन का होता है, इसमें जो ढक्कन ढका होगा वो कास्ट आयरन का होगा, और जिसका साइज होगा स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर। तो जितना उसका साइज होगा कास्ट आयरन का ढक्कन भी उतना ही बड़ा होगा। इसमें डालेंगे नमक और चारकोल, नमक और चारकोल मिला लिया जाता है। तो नमक और चारकोल जो डालेंगे, नमक ये डल्लेदार जो नमक आता है अर्थात कि जो जानवरों को खिलाने में यूज किया जाता है वही डल्लेदार हम इसमें नमक यूज करेंगे एवं चारकोल यूज करेंगे जो कच्चा कोयला होता है। क्लियर स्टूडेंट, कच्चा कोयला अर्थात कि जो लकड़ी का कोयला होता है, लकड़ी को जलाने के बाद, लकड़ी को जलाने के बाद जो प्राप्त होता है स्टूडेंट ये कच्चा कोयला होता है। क्लियर है। तो उसके बाद इसमें लगाएंगे हम नट और बोल्ट। तो नट और बोल्ट जो लगेंगे वो 50 mm और 30 सेंटीमीटर तांबे की एक प्लेट के साथ, तांबे के और GI प्लेट के साथ इसको प्रयोग करते हैं। और नट और बोल्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, इस GI तार को कस देंगे, GI तार को कस देंगे। क्लियर स्टूडेंट, GI तार को क्या करेंगे हम कस देंगे, और इस तरीके से हम प्लेट अर्थिंग कर देते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्लेट अर्थिंग कैसे की जाती है। और ये इसका सर्किट डायग्राम है स्टूडेंट, और इसके द्वारा, इस सर्किट डायग्राम के द्वारा हम प्लेट अर्थिंग को समझ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही आपको टोटल ITI फर्स्ट ईयर के वीडियोस आपको ऐसे ही इस तरीके से प्राप्त होंगे स्टूडेंट। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो प्लेट अर्थिंग के बाद पाइप अर्थिंग का बनेगा, और वो भी दोस्तों बहुत जल्दी आप तक पहुंचाया जाएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए स्टूडेंट, और मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें लॉकडाउन के समय में, और आप अपने आप को सेफ रखें। जय हिंद दोस्तों।